नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मंगलवार को शिंदे गुट को शिवसेना का नाम निशान आवंटित के चुनाव आयोग के फैसले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह देने का निर्वाचन आयोग का फैसला पूर्व प्रभावी नहीं है, इसकी जगह ये भविष्य पर आधारित फैसला है। विधान भवन में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद नार्वेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला इस बात से शुरू होगा कि जुलाई 2022 में कौन सा गुट वास्तविक शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई के फैसले में कहा कि भारत गोगावले की शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्ति अवैध है। इस बात का कोई सत्यापन नहीं किया गया था कि उन्हें किसी राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त किया गया था या नहीं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गोगावले को पार्टी का मुख्य सचेतक फिर नियुक्त किया जा सकता है यदि सर्वोच्च अदालत के निर्देश के मुताबिक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है और राजनीतिक दल उन्हें फिर से नामित करता है। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष को मुख्य सचेतक के रूप में फिर से नियुक्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया है। पिछले साल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के कारण शिवसेना केंद्रित टकराव पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने विश्वास मत का सामना किए बिना ही इस्तीफा दे दिया था। शिंदे इससे पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। जून 2022 में शिंदे और 49 अन्य विधायकों ने अपनी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी जिससे शिवसेना को दो फाड़ हो गई। शिंदे बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक में मुख्यमंत्री बन गए और पूरे महाराष्ट्र में खलबली मच गई। फिलहाल अभी आने वाले समय में क्या कुछ होगा उसको लेकर के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।